नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा, और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज और नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार में मिला खनिज संपदा का भंडार, तांबा, जस्ता और सोने की मौजूदगी, बिहार की अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। बाढ़ प्रभावित किसानों को बड़ी राहत, सीएम नीतीश ने 100 करोड़ से अधिक की राशि की जारी, 1.5 लाख किसानों को मिलेगा लाभ। सब्जी उत्पादन में बिहार देश में चौथे नंबर पर, 7 जिलों में होगी कुफरी चिप्सोना की खेती, 12 जिलों में बनाए जाएंगे कोल्ड स्टोरेज। धनतेरस पर बाजारों में बढ़ी रौनक, सोने चांदी की खरीदारी जोरों पर, भगवान धन्वंतरी बरसाएंगे कृपा। और बेतिया में 15 नवंबर को जिला स्तरीय रोजगार मेला, विभिन्न कंपनियां युवाओं को देगी नौकरी के अवसर, स्वयं सहायता समूह के छात्रों को मिलेगी पठन पाठन की सामग्री। अब खबरें विस्तार से। बिहार में जारी भूमि सर्वे के तहत राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। गैर मजरुआ भूमि पर लंबे समय से निवास कर रहे जरूरतमंद परिवारों को सरकार मालिकाना हक देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस संबंध में सभी पहलुओं पर मंथन कर रहा है और जल्द ही घोषणा की जा सकती है। बता दें कि गैर मजरुआ भूमि पर 3 पीढ़ियों से अधिक समय से रहने वाले परिवारों को मालिकाना हक देने का प्रस्ताव है, बशर्ते उनकी स्थिति की पूरी पुष्टि हो जाए। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि ये जमीनें केवल उन जरूरतमंद को दी जाए जो बेघर हो रहे हैं। इससे पहले विभाग ने सभी जिलों को सरकारी भूमि पर मौजूद अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। दीपावली और छठ महापर्व की तैयारियों के बीच भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बिहार के कई जिलों में खनिज संपदा की विशाल भंडार की पुष्टि की गई है। भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, बेगूसराय, आरा, गया, नालंदा और नवादा जैसे जिलों में तांबा, जस्ता, सीसा, अबरक, चूना पत्थर, सिलिका, सोना और अन्य खनिज पदार्थ पाए गए हैं। झारखंड के हजारीबाग और गिरिडीह जिलों में भी खनिज भंडार होने की पुष्टि हुई है। ये खोज राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ रोजगार के नए अवसरों का निर्माण कर सकती है। GSI की रिपोर्ट के अनुसार नालंदा, मुंगेर और राजगीर के चट्टानों में सफेद अभ्रक मिला है, आरा में चूना पत्थर और सिलिका की पुष्टि हुई है, जबकि गया में अभ्रक और नवादा में आंशिक सोने की मात्रा पाई गई है। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में की गई जांच में तांबा और जस्ता की मौजूदगी भी सामने आई है। बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक नई पहल की गई है। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में परीक्षा के आधार पर कोर्स बांट करके अब पढ़ाई होगी। मासिक परीक्षाओं में 60% प्रश्न नए पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे, वही 40% पुराने पाठ्यक्रम से सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा अर्धवार्षिक परीक्षाओं में पूरे पाठ्यक्रम की जानकारी दी जाएगी, जिससे छात्रों को पूरी विषय वस्तु पर पकड़ बनाने का मौका मिलेगा। शिक्षक नए पाठ्यक्रम पर जोर देंगे, लेकिन पुराने पाठ्यक्रम को भी लगातार दोहराया जाएगा ताकि छात्रों का ज्ञान और मजबूत हो सके। डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव, ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने पटना में आलू एवं सब्जी महाअभियान 2024 का शुभारंभ किया। मंत्री ने बताया कि बिहार सब्जी उत्पादन में देश में 14वें स्थान पर है। मंत्री ने बताया कि बिहार सब्जी उत्पादन में देश में 4वें स्थान पर है, जहां 9.10 लाख हेक्टेयर में सब्जियों की खेती की जा रही है। प्रति वर्ष 175.63 लाख टन सब्जियों का उत्पादन हो रहा है, जिसमें आलू की खेती 3.29 लाख हेक्टेयर में होती है और आलू का उत्पादन जो है 87.90 लाख टन है। मंत्री ने आलू के प्रसंस्करण के लिए कुफरी चिप्सोना एक प्रजाति के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कुछ खास जिलों का चयन किया है, जिसमें औरंगाबाद, गया, पटना, नालंदा, सारण, समस्तीपुर और वैशाली शामिल है। कृषि मंत्री ने कहा कि 12 जिलों में कोल्ड स्टोरेज भी बनाए जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया है। इस योजना के तहत 1,50,000 प्रभावित किसानों को सहायता दी जा रही है। इस अवसर पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और कृषि मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे। नीतीश कुमार ने इस पहल के जरिए बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत पहुँचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2024 के लिए पीजी कार्यक्रमों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय ने विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों में 15 विषयों के लिए नामांकन की पेशकश की है। इस सत्र में एमए आर्ट्स में इकोनॉमिक्स, शिक्षा, लोक प्रशासन, भूगोल, हिंदी, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान जैसे विषय शामिल है। वही एमएससी साइंस में बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस और होम साइंस के लिए भी नामांकन किया जा रहा है। वाणिज्य संकाय में एमकॉम में भी छात्रों को नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया जो है 15 नवंबर तक जारी रहेगी। अधिक जानकारी के लिए छात्र नालंदा ओपन विश्वविद्यालय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या विश्वविद्यालय की वेबसाइट को भी देख सकते हैं। वही आज धनतेरस पर्व को लेकर बाजारों में रौनक छा गई है, जहां लोग सोना, चांदी, बर्तन और अन्य सामग्री खरीदने के लिए बाजारों में जुटे हुए हैं। बता दें कि इस दिन सोना और चांदी खरीदने से पूरे साल घर में धन की बरकत बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे और वे अमृत कलश के साथ आए थे। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन आभूषण और बर्तन खरीदने से पूरे साल घर में धन की बरकत रहती है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, वाहन, जमीन, मकान, बर्तन, पूजा सामग्री, झाड़ू, साबुत, धनिया, श्रीयंत्र, गोमती चक्र खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन बर्तन विशेषकर पीतल और चांदी के खरीदे जाते हैं। बिहार के बेतिया जिले में जिला प्रशासन द्वारा 15 नवंबर को डीआरसीसी परिसर में एक जिला स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में देश भर के कई प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी, जो विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए नौकरी के अवसर प्रदान करेंगी। जिला नियोजन पदाधिकारी मुकुंद माधव ने बताया कि उपस्थिति दर्ज कराने वाले युवाओं को अपने बायोडाटा और आवश्यक शैक्षणिक प्रमाण पत्र साथ लेकर इस दौरान स्व सहायता समूह के छात्रों को पठन सामग्री वितरित की जाएगी और कुशल युवा कार्यक्रम में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके छात्रों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। जिला प्रशासन ने सभी युवाओं से अपील की है कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और 15 नवंबर को इस मेले में जरूर भाग लें। इधर सीबीआई ने बिहार के पूर्व मध्य रेलवे के 2 अधिकारियों और एक निजी कंपनी के निदेशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि ये अधिकारी घूस लेकर निजी कंपनी को अनुचित तरीके से ठेका दिलाने में शामिल थे। एसीआर के सहायक अकाउंट सलाहकार अनुराग गौरव और विकास कुमार पर यह आरोप है कि उन्होंने मेसर्स आनंद राज इंफाटेक प्राइवेट लिमिटेड को गलत तरीके से टेंडर दिलाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। साथ ही जांच में यह भी पता चला है कि इस कंपनी ने रेलवे के साथ मिलकर 15 करोड़ रुपए की एक प्रोजेक्ट में गलत तरीके से टेंडर हासिल किया है। अब इस मामले में सीबीआई की जांच जारी है और कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। आपको याद होगा कि 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी, लेकिन इसके बावजूद हालत जो है सुधरने के बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। हाल ही में मोतिहारी में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां बापूधाम रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ इंस्पेक्टर पंकज गुप्ता की आवाज़ से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने जानकारी दी है कि छापेमारी के दौरान 22 बोतल विभिन्न ब्रांड के शराब और लगभग 15 लाख रुपए नगद बरामद की गई है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि जैसे ही पुलिस ने छापेमारी शुरू की, इंस्पेक्टर पंकज गुप्ता मौके से फरार पाए गए। अब पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। एसपी ने बताया कि मामले की जांच जारी है, इंस्पेक्टर गुप्ता के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बीते दिन पटना मेट्रो निर्माण के दौरान एक गंभीर हादसा हो गया। ये घटना पटना यूनिवर्सिटी और एनआईटी के बीच टनल निर्माण काम के दौरान घटी, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 6 अन्य लोग घायल हो गए। हादसे का कारण मोटराइज्ड वैन का ब्रेक फेल होना है। बताया जा रहा है। वह इस दुखद घटना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने भी जानकारी दी है कि घटना की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर नीतीश की महत्वपूर्ण बैठक में आरएलजेपी को दरकिनार किया गया है। बता दें करीब 1 महीने पहले आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस और उनके भतीजे प्रिंस राज के दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद पारस ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है।
लेकिन हाल की घटनाओं ने उनकी इस दावे को सवालों के घेरे में ला दिया है। सोमवार को नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें जेडीयू, बीजेपी, एलजेपीआर, आरएलएसपी और हम के नेता शामिल हुए थे। लेकिन इस बैठक में आरएलजेपी को बुलाया ही नहीं गया, जिससे पारस और उनके समर्थकों में निराशा है। पारस की पार्टी के नेताओं ने बताया कि वे बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिलकर अपनी बात रखेंगे। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से धमकी मिलने के बाद सियासी माहौल जो है गर्माता जा रहा है। पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे मिलने का समय तक नहीं दे रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने कई बार सीएम के निजी सचिव और मुख्य सचिव से संपर्क किया, लेकिन नीतीश कुमार से मीटिंग तय नहीं हो पा रही है, जिसके बाद सीएम सचिवालय एक्शन में आया। इस मामले में जांच का आदेश दिया गया है। आपको याद दिला दें कि पप्पू यादव ने हाल ही में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 के ग्रुप सी में बिहार टीम का मुकाबला कर्नाटक टीम से हुआ। मुकाबले के तीसरे दिन का खेल समाप्त हो गया। ये मैच पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में हुआ। बारिश और मैदान गीला होने के कारण दूसरे दिन एक गेंद तक नहीं फेंकी जा सकी थी। ऐसे में पिच सुखाने के लिए गजब की तरकीब अपनाई गई। पिच को सुखाने के लिए गोबर के उपलों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि ये कोशिश जो है नाकाम रही और दूसरे दिन का खेल नहीं हो पाया। अब बात करें मैच की, तो कर्नाटक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बिहार की टीम ने पहली पारी में केवल 143 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जिसमें शर्मन निग्रोध का शानदार प्रदर्शन रहा, जिन्होंने 60 रन बनाए। पहले दिन के खेल के अंत तक कर्नाटक ने बिना कोई विकेट खोए 16 रन बना लिए थे। वहीं तीसरे दिन कर्नाटक ने अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए 7 विकेट खोकर 287 रन बनाए। भारतीय क्रिकेट के दो महान खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा के हालिया प्रदर्शन पर बात कर लेते हैं। बता दें कि हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज में इन दोनों दिग्गजों का बल्ला खामोश रहा, जिससे फैंस में चिंता का माहौल बना हुआ है। खासकर इस सीरीज का महत्व तो जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुँचने के संदर्भ में और भी बढ़ गया है। भारत ने लगातार दो मैचों में हार का सामना किया है, जिसमें न्यूजीलैंड को 2-0 की बढ़त मिल गई है। विराट कोहली ने 4 पारियों में सिर्फ 88 रन बनाए, जिसमें से 70 रन उन्होंने एक ही पारी में बनाए। वहीं रोहित शर्मा ने ओपनिंग करते हुए केवल 62 रन ही बनाए हैं। इस असंतुलित फॉर्म पर फैंस सोशल मीडिया पर सवाल उठाने लगे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकिशोर महतो, छोटू रजा, संजीव कुमार, नौसाद रजा, अनवर करीम खान, रवि कुमार राम, मोहम्मद साकिर हुसैन, संतोष कुमार, राकेश मिश्रा, रविशंकर, कंचन राजवंशी, अरुण राम, आलोक प्रियदर्शी, रंजीत मिश्रा, अक्षय कुमार, दीपक कुमार, अंगद कुमार, कुश कुमार यादव, जितेंद्र ठाकुर, रूपा कुमारी, संतोष कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपके जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए बिहारी न्यूज देखते रहिए, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।